आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। मुझे लगता है कि अनु की एंगेजमेंट तानी की एंगेजमेंट से पहले करनी चाहिए। क्यों? कोई खास वजह? हाँ, क्योंकि जिस ताव से लाबोनी काकी यहाँ पे चार बातें सुना कर गई थी, मुझे उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। इसलिए तानी की एंगेजमेंट से पहले अनु की होगी। अनिल ने ये कैसे स्पर्धा है, और वो भी किसके साथ? अपनी लाबोनी माँ के साथ। तानी, तूने शादी के लिए हाँ कर दी। I hope किसी प्रेशर में नहीं है। लाइक द गायना। देख, अगर लड़का पसंद है तभी शादी करना, वरना कोई जरूरत नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है, और वैसे भी जब तू अपनी जिंदगी में नूपुर के साथ आगे बढ़ गया है तो मुझे भी आगे बढ़ जाना चाहिए ना। I'm really happy for you. शादी कर रही है, जिंदगी में आगे बढ़ रही है, बहुत खुश हूं। अनु, still angry with me? No. I'm really happy for Tani. अब जल्दी जाओ, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। I'll see you soon. किसके लिए कर रही हो ये सब? अनुराग के लिए ना? बहुत प्यार करती हूँ ना उसे, मैं जानती हूँ तुम अनुराग से बहुत प्यार करती हो। डोंट वरी तानी, मैं अनुराग का पूरा ख्याल रखूंगी, कभी उसका दिल नहीं दुखाऊंगी। और हाँ तानी, आई होप तुम भी अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहो, तुम्हारे अपनों के साथ। और हाँ, एक और बात, कल जो भी मैंने तुमसे कहा उसके लिए आई एम रियली सॉरी। चलती हूँ। नूपुर, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। एंजल मुझे अनुराग ने 8 साल पहले दिया था, इस विश्वास के साथ कि मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाएगा, हर प्रॉब्लम से बचाएगा। पर अब ये तुम्हारे पास होना चाहिए, क्योंकि अनु तुम्हारे साथ है। नहीं तानी, इसे तुम अपने पास ही रखो, ये तुम्हारा है। जब जब तानी को जरूरत होगी तब तब अनुराग ये एंजल बनकर तुम्हारी मदद करने जरूर आएगा। ये एंजल बहुत अनमोल है, तुम्हारी यादों का हिस्सा। इसे किसी को देकर गलती मत करना। जिस इंसान से यादें जुड़ी थी जब उसे ही दे दिया, तो इसे भी मेरे पास नहीं होना चाहिए। ये एंजल उसके पास होना चाहिए जो अनुराग के सबसे ज्यादा करीब है, और वो तुम हो। तेरे लिए
वीरे और अभिनव के प्यार की आखिरी निशा। एक दिन माँ की तरह वकील बनूंगी। मैडम जी, सिग्नल पे फोन पे बात करना गैर कानूनी है। सॉरी सर, कॉल रिसीव नहीं कट ही कर रही थी। वैसे आपने हेलमेट नहीं पहना। कल के दिन तू वकील बनेगी तो कोर्ट में जाके ऐसी दलील करेगी? हाँ, सच ही तो बोला मैंने, इसमें क्या गलत कहा? हे भगवान, ये ऐसी ही बोली है। कभी कभी सोचती हूँ आगे जाकर अभीरा अपने रिश्तों को कैसे निभाएगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है? नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। अनुराग के घर? माँ, तुम मोनू के घर क्यों गई थी? बोलो माँ, क्या हुआ? माँ, पंडित मशाई, बाजीटा देखे बोलून, आशीर्वादের জন্য কোন দিনটা শুভ দিন হবে? जी, आज से ठीक 5 दिन बाद बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। उस दिन हम आशीर्वाद विधि बड़े आराम से पूर्ण कर सकते हैं। बाबा, मुझे लगता है कि ओनू की एंगेजमेंट तानी की एंगेजमेंट से पहले करनी चाहिए। क्यों? कोई खास वजह? हाँ, क्योंकि जिस ताव से लाबोनी काकी यहाँ पे 4 बातें सुनाकर गई थी, मुझे उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। इसलिए तानी की एंगेजमेंट से पहले ओनू की होगी। अनन्या, ये कैसे स्पर्धा है? और वो भी किसके साथ? अपनी लाबोनी माँ के साथ? बेटा, उन्होंने जो भी किया उसके पीछे एक वजह थी। भाई, क्या देख रहे हो तुम एक दूसरे को? इस बार तुम्हारी चॉइस नहीं पूछनी है हमें। जो तय होना है वो हम कर चुके। आज से ठीक 5 दिन के बाद तुम दोनों की सगाई। नीलू भाई, मिठाई खिलाओ सबको। कॉन्ग्रेट्स तो मुझे तुझे कहना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि बेस्ट फ्रेंड होने के बावजूद तेरी शादी की बात मुझे सबसे आखिरी में पता चल रहा है। अरे नहीं यार, एक्चुअली तानी ने सगाई के लिए हाँ कह दी, तूने मुझे बताया क्यों? अरे नहीं यार, मैं बताना चाहता था लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी से हुआ कि अभी तक मुझे लग रहा है कि सब सपना है। सुबह के 6 बजे इतनी तेज बारिश में उसका आना, मुझे हाँ बोलना, एक पल लगा जैसे ये सच है या झूठ, मैं समझ नहीं पा रहा। पहली बार लगा मुझे कि वो अभी हाँ बोली, शायद वो कल ना बोले, ऐसा होगा नहीं। लेकिन कहने का मतलब ये कि आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड। हाथ दिखा। क्या कर रहा है यार? तुझे बता रहा हूँ कि ये सपना नहीं, रियलिटी है। पागल, तुझे पता है तू कितना लकी है? तुझे बेस्ट, मतलब बेस्टेस्ट लड़की मिली है दुनिया की। आर यू श्योर कि वो वर्ल्ड की बेस्ट लड़की? हाँ। नूपुर से भी बेस्ट? हाँ सुशांत, अगर तानी ने तुम्हें हाँ कहा है तो वो मुझसे अच्छी तो होगी। सुशांत, मेरी तानी एकदम सादी सिंपल लड़की है, इसका ख्याल रखना, उसके हर सपने को पूरा करना, उसके दिल को कभी मत दुखाना। क्या रखेगा ना मेरी तानी का? अनु, अभी वो तेरी नहीं, मेरी तानी है। ऑफ कोर्स यार, रखूंगा मैं। हाय दादा। हाय हाय दादा, कृष्ण का क्या प्रोग्राम है? कुछ नहीं, क्यों?
एक्चुअली सभी स्टूडेंट्स को स्कूल में गेट टुगेदर के लिए बुलाया तो चलेंगे, इनवाइट किया हमें। रियूनियन पक्का। दैट्स ग्रेट यार, अनु मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। सुशांत तुम भी चलना ओके? हाँ बिल्कुल। इसी बहाने हम अनुराग का स्कूल भी देख लेंगे और उसके स्कूलमेट से भी मिल लेंगे, क्यों? ओके। माँ तुमने बताया नहीं तुम अनुराग के घर क्यों गई थी? माँ तुमने वहां जाके झगड़ा तो नहीं किया ना? बोलो। झगड़ा करने गई थी मैं उस घर में। उन्हें बताने गई थी कि उनका चुनौती पूरा कर दिया मैं, लेकिन पता नहीं न्योता देकर आ गई उनको। क्या करूं, तेरा बचपन से और इस घर से रिश्ता है ना उनका, और वही रिश्ता निभाने आज मैं यहाँ आया।